قتل سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما بلند آواز سے اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلام عليك صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدهمي يا كرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ مختصر گفتگو تھے میری وہاں ایک دوست وہ یہیں ایم بی بی ایس کہیں کر رہا ہے انہوں نے ہاتھ میں سلپ دے دی تھی ایک نعت کی فرمائش تھی وہاں ٹائم نہیں ملا اور نکلتے ہوئے اس نے پھر اصرار کیا کہ اب آپ کو دوسرے پروگرام میں جانا ہے تو وہاں ضرور اس کو پڑھ لیجئے گا زیادہ نہیں بس دو چار اشعار پڑھیں گے محبتوں سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں ذرا پورا مجمع میری طرف توجہ ہو کر کے سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہے ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے یہ لمحات آپ اللہ کی محبت میں گزارے حضور کی محبت میں گزارے
अपने जुबान से भी जिक्र करे और दिल को भी अपने रब और रसूल की तरफ मुतवज्जे रख लीजिए। और एक एक लम्हे की कदर कर लीजिए। अभी आप सुन ही रहे थे कि आज की शब में लिखा जाता है इस साल कौन रहे कौन ना रहे। तो मौत तो एक ही बार आनी है, बार बार तो आएगी नहीं। लेकिन आज की शब हम दुआ करते हैं कि मौला जब भी हम मरे तो मोमिन मरे आशिक रसूल मुकर्रर उम्र है। अल्लाह फरमाता है इज़ा जा अजल ला यस्तक़दिम वला यस्ताख़िर। इस पर हमारा ईमान है, यकीन है, कुरान का फरमान है कि मौत आए नए आगे नए पीछे बढ़ जाएगी। अब जब ये यकीन कामिल हमारा है कि मरना है, ठीक है, हम दुआएं मांगे मौला हमारी उम्रों में बरकतें अता फरमा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर हम कभी नहीं मरेंगे। मरना तो एक ही बात है, और जब भी मरना हो अल्लाह फरमाता ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मरना तो किसी भी सूरत में है, लेकिन मत मरो गुनहगार। बस ये एक चीज बहुत जरूरी है, कोई जवान मरे कोई बूढ़ा मरे, कोई अमीर मरे कोई गरीब मरे, कोई सेहतमंद मरे कोई बीमार मरे, मरना किसी भी सूरत में है इंसान को। दुनिया में अगर यहां तक भी दौर चल रहा है कि खुदा की खुदाई का भी इनकार होने लगा है, एथीस्ट एक दुनिया में एक फिक्र चल रही है, वो लोग कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद बनी हुई है, इसका चलाने वाला कोई नहीं। ये उनकी बहुत गंदी और अहमकाना सोच है। लेकिन मैं उस तरफ ज्यादा वक्त दिए बगैर इतना कहूंगा कि आज के जमाने में भी वो लोग हमारे कॉलेजों में पढ़ाने वाले बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, यूनिवर्सिटियों में भी है, जो इस फिक्र से मुतासिर हो चुके हैं कि दुनिया खुद बनी है, एथीस्ट है वो। अब उन अकल के अंधों को कौन समझाए कि हमारी नजरों के सामने अभी तक कोई चीज खुद बनी नहीं, तो इतनी बड़ी कायनात खुद कैसे बन सकती है। बहरहाल मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि अल्लाह के भी मुनकिर दुनिया में है, लेकिन मौत ऐसी चीज है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मौत ही वो चीज है जिसकी किसी के अंदर इनकार करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब इतनी हकीकत हमारे सामने है कि मरना है, और ये भी नहीं लिखा, हमें यह भी पता नहीं कि कब मरना है। अगर इतना पता होता आपकी उम्र 80 साल होगी फिर मरोगे, मैं आपको डराता नहीं, मैं आपको छूट दे देता, करो जो आपको 70 साल मर्जी है करो, फिर 10 साल जाके कुछ करेंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कब मरना है। इकबाल ने कह दिया आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। फिर न साथी साथ देते हैं जिनके हम जिनके लिए हमने सारी जिंदगी बर्बाद कर ली है, साथी औलाद अहले खाना जिनके लिए सारी जिंदगी हमने बर्बाद की है, वो साथी ज्यादा से ज्यादा साथ कब्र तक देने वाले। कब्र से आगे हमारे साथ कोई जाने वाला
आप बेदार हैं, थकान अगर मत हुई तो सुबह अल्लाह कह दो। जितने करीबी साथी हैं बताइए, उन सारे साथियों में सबसे करीब इंसान का माँ है, बाप है, औलाद है, बीवी है, बाकी तो इसके बाद है न साथी साथ, बोलिए न साथी साथ देते हैं न दौलत काम आती है। जिस दौलत के लिए हमने झूठ बोला, धोखे दिए, लोगों का कत्ल किया, लोगों के हुकूक खाए, हड़प किए, उनकी कमाई और उनके खून से हमने अपने बंगले बना दिए, लोगों के खूनों को चूस करके हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, वो दौलत काम नहीं आएगी। इंसान मरेगा, 70-80 साल भी मेहनत करता रहे, रातों दिन जैसा करते हैं आज लोग, न कहीं रात का पता चलता है, न कहीं दिन का पता चलता है, लेकिन लास्ट में जब मरेगा, 80 साल मेहनत करने के बावजूद भी दुनिया से 3 कपड़ों के सिवा कुछ भी साथ में नहीं लेगा। इसीलिए इकबाल ने हमें समझाया था, आगाह अपनी मौत से, तवज्जा है, आगाह अपनी मौत से, कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, न साथी साथ देते हैं। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, अगर आप बेदार हैं, आज तक किसी का बेटा बाप के साथ कब्र में जिंदा दाखिल हुआ है? आप जवाब नहीं दे रहे मुझे पूरा, जवाब दीजिए मोहब्बतों के साथ। आपका ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, मुझे पता है आपको भी थकान है, लेकिन आपसे ज्यादा दबाव आज पूरे दिन, बल्कि लगातार बारिश के महीने में हर दिन 2-2 जगह तकरीरें हो रही है, आज भी दिन से भी तक 2-3 तकरीरें हुई है, लेकिन आप जज्बे में रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी अपनी थकान का आप पर असर नहीं डालूंगा। आप जरा मोहब्बतों का सबूत दे दीजिए सुभान अल्लाह कह करके। जवाब में आपसे भैया ये लाइट बंद करो प्लीज, मेहरबानी होगी, ये आंखों पर पड़ती है, डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, क्या आज तक किसी का बेटा अपने मुर्दा बाप के साथ कब्र में जिंदा दाखिल हुआ है? आज तक किसी की माँ बाप या करीबी कोई रिश्तेदार उसके साथ कब्र में जिंदा चला गया? आज तक कितनी दौलतें हमने जमा की हैं, किसी को सफेद कपड़े के अलावा सुनहरी कपड़ों में, रेशमी लिबास में बड़ा कीमती कफन दिया गया या सादा कफन दिया गया? बोलिए, हर एक इंसान को मिट्टी पर ही लिटाया गया है या अमीरों को सोने पे लिटाया गया है? मिट्टी पर। जवाब आप देते रहिए, बैठ के भाई बैठ जाए। जो सबसे बड़ा दौलत वाला आदमी है, क्या उसको भी उसी मिट्टी पे सुलाया गया जिस मिट्टी पर एक गरीब आदमी को 3 कफनों के अंदर लपेट करके लिटाया गया, या अमीर के लिए कुछ अलग सोने का अंदर से सिस्टम बनाया जाता है, चांदी लगा करके कब्र बनाई जाती है? तो इसीलिए हातम तोय जिसने आधे दुनिया पर हुकूमत चलाई, जब मरने का टाइम आया उसने कहा मैं जब मरूंगा तो ताबूत जो है, जिस बक्से जिस ताबूत में मुझे उठाकर ले जाओगे, मेहरबानी करके कफन से बाहर मेरे दोनों हाथों को ऐसे रखना। लोगों ने कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया को ये सबक मिले, हातम तोय जैसे बादशाह भी दुनिया से खाली हाथ ही आए। अब कहना यह है, इकबाल कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई कोई
आप जवाब दीजिए जरा बेदारी के साथ, आगाह अपनी मौत से। आप में से किसी के पास कोई पर्ची है जिसपे ये लिखा है कि मैं 90 साल में मरूंगा? अगर है तो मुझे दिखा, मेहरबानी करें। आपके पास किसी के पास कोई पर्ची लिखी है? यकीनन जो ये कहेगा मैं कल सुबह तक जिंदा रहूंगा। अरे हुजूर के सहाबा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर के कंधे पे हाथ रखा, कहा जाबिर इजा असबहता, जब सुबह को, जब आप सुबह करोगे, सुबह के टाइम में जब आप जिंदा होंगे, फला तंतजिरिल मसा, तो शाम का इंतजार मत किया करो। आप हुजूर की हदीसें सुन रहे हैं प्यार से। शबे बरात में जो आने का मकसद है वो मैं आपको दे रहा हूँ, जरा प्यार से बोलिए। आपने नाते भी सुनी, सब कुछ सुना है, बस मुख्तसर नसीहत के अल्फाज अर्ज करूंगा। आज की शब में आए हो तो कुछ लेकर के जाओ यहाँ से, कुछ बदल जाओ, सुधर जाओ, संभल के यहाँ से निकलो। यही है मकसद शबे बरात मनाने का। तो हदीस पाक में सुनाने जा रहा हजरत जाबिर जो नबी के सहाबी है, सुनिए, वो सहाबी सिर्फ ईमान वाले नहीं थे, ईकान वाले थे। ईमान अलग चीज है, ईकान अलग चीज है। ईमान वाला कभी भी बिगड़ सकता है, यकीन वाला कभी नहीं बिगड़ता है। ईमान वाला कभी भी किसी का शिकार हो सकता है, लेकिन यकीन वाला कभी किसी का शिकार नहीं हो सकता। सारे सहाबा सिर्फ ईमान वाले नहीं थे, यकीन वाले भी थे। और यकीन क्यों ना हो, यकीन का मरकज मोहम्मद अरबी उनके सामने मौजूद था। जरा प्यार से सुभान अल्लाह, यकीन का मरकज, ईकान का सेंटर, ईकान का मंबा, प्यारे आका उनके सामने मौजूद थे। उनके पास यकीन ना हो तो फिर किन के पास यकीन हो? उनकी हालत ये थी, हजरत इब्ने मालिक से मेरे मुस्तफा ने कहा, मालिक सुबह कैसी की? कहा मेरे आका मैंने ईमान की हालत में सुबह की, लेकिन यकीन का ये मामला है, जन्नतियों को जन्नत में देख रहा। सुभान अल्लाह, जन्नतियों को जन्नत में देख रहा, ये था उनके यकीन का मामला। अब 14 सदियां गुजर गई है लोगों, अब आज का वो दौर की जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, एक जमाना आएगा सुबह इंसान घर से निकलेगा मोमिन, जब लौटेगा तो काफिर लौटेगा। जब सुबह निकलेगा तो क्या निकलेगा? मोमिन। अब शाम को वापस आएगा तो काफिर होकर के वापस आएगा, यानी इतनी भी साबित कदमी नहीं होगी, सुबह से शाम तक भी वो इस्तिकामत इख्तियार नहीं कर पाएंगे। अब उस दौर से हम गुजर रहे हैं, अब इस दौर में हमें कितनी फिक्र करनी है और हम कितनी कर रहे हैं, ये आप सभी लोग खुशी बखूबी जानते हैं। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कंधे पर मेरे नबी ने दस्ते पाक रखा, क्या फरमाया? जाबिर इज़ा अस्बहता, जब आप सुबह बेदार होंगे, फला तंतज़िरिल मसा, शाम तक जिंदा रहने की उम्मीद मत रखना। जब सुबह बेदार होंगे तो शाम तक जिंदा रहने के लिए इंतजार न करना। इज़ाम साइता, मेरे नबी ने फरमाया, ओ जाबिर अगर शाम के टाइम में तुम जिंदा होंगे, जब तुम शाम करोगे, फला तंतज़िर सबा, तो फिर सुबह तक जिंदा रहने की उम्मीद ना रखना। अब हदीस आपने याद रख ली, अरबी में आपको तकलीफ नहीं दूंगा, कम से कम इसका मफहूम याद रहा। जवाब दीजिए, क्या फरमाया जाबिर को? जब सुबह, जब सुबह करोगे तो
जब सुबह उठोगे तो शाम तक जिंदा रहने की उम्मीद न रखना। हदीस याद रखिए, हुजूर की बात है, बुखारी की हदीस है। और जब शाम को आप जिंदा होंगे तो अब सुबह से शाम और शाम से सुबह, ये कितना लंबा टाइम है? ज्यादा तो नहीं ना, ज्यादा तो हमारे हिसाब से है ही नहीं। सुबह से शाम तक तो 12-13 घंटे, शाम से सुबह तक भी 13-12 घंटे, इतना ही है ना। अब सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया आगे, फिर मुहासबा करना अपने आप का। फरमाया मेरे जाबिर सुन ले, अगर तुमने लंबी जिंदा रहने की लंबी उम्मीद बनाई, अब ये लंबी उम्मीद है। अगर कुछ लोग समझ रहे तो वही सुभान अल्लाह कह दो बस। देखिये लंबी उम्मीद हुजूर ने किसको बताई है? इसीलिए मैंने कहा था अगर किसी के पास पर्ची है तो दिखाए कि मैं कल तक जिंदा रहूं। अगर आज की दौर में भी हम नहीं सुधरेंगे तो हम जैसा कोई पत्थर दिल नहीं है। मेरे आका ने फरमाया एक जमाना आएगा अचानक मौत वाका होंगे और वो भी जवानों के मौत वाका हो जाएंगे। ये कुर्बे कयामत की एक अलामत है, सडनली डेथ, लेकिन वो भी बूढ़े नहीं, नौजवानों के मौत वाका हो जाएंगे। वो भी हमारे सामने हो रहे हैं। चलता फिरता सेहतमंद इंसान गिर जाता है, मर गया। जनाजा हम पढ़ते हैं लेकिन बदलते नहीं, कब्रों के ऊपर मिट्टी हम डालते हैं लेकिन हम बदलते नहीं है। अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर हम पढ़ते हैं लेकिन खुद नहीं बदलते। इसीलिए इमाम गजाली ने फरमाया अगर तुम्हें बात और तकरीर और नसीहत से असर ना हुआ तो समझना तेरा दिल पत्थर से भी बदतर और सख्त हो चुका है। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर वाज और नसीहत से तुम्हारे दिल पर कोई असर ना हुआ, खौफ आखिरत पैदा ना हुआ, अल्लाह और कब्र और खौफ का असर तुम्हारे दिल पर ना हुआ, तो गौर करना तुझे अपने किस्मत पे रोना पड़ेगा क्योंकि तेरा दिल पत्थर से भी सख्त हुआ है। अब कहेंगे पत्थर से सख्त का मतलब क्या है? कहते पत्थर से चश्मे निकलते हैं। प्यार से आवाज आए प्यार। पत्थरों से कभी कभी चश्मे निकलते हैं, पानी निकलता है। बल्कि अल्लाह कुरान में कहता है ये जो पत्थर फट करके इनसे जो चश्मे निकलते हैं और ये जो ऊंचाई से कभी खुद ब खुद पत्थर नीचे गिर जाते हैं, ये मत समझना खुद गिर गए। मिन खशियतिल्लाह, ये काम अल्लाह के खौफ की वजह से इनके अंदर हो जाता है। खुदा के खौफ की वजह से ये हो रहा है। अब इमाम गजाली फरमाते हैं अगर वाज और नसीहत से असर ना हुआ तो फिर कभी तन्हाई में कब्रिस्तान में जाया करो और अपने किसी साथी की कब्र पे जाया करो। जो जवान दोस्त तेरा खाता पीता उठता फिरता चलता तेरे साथ था, थोड़ी देर तन्हाई में उसकी कब्र पर रहो और उसके सारी जिंदगी के हालात अपने सामने ले आओ, हो सकता ये चीज तेरी हिदायत का जरिया बन सकता है। वरना अपने मुकद्दर पे रोना, किस्मत पे रोना, वो पत्थर से भी सख्त हो गया है। अब सुनिए वो पहली वाली हदीस, हजरत जाबिर को मेरे मुस्तफा ने कह दिया हो जाबिर जब सुबह जिंदा होंगे तो शाम तक इंतजार ना करना, शाम में जिंदा होंगे सुबह तक जिंदा रहने की उम्मीद ना रखना। लेकिन आगे वाला जुमला सुनो, मेरे नबी ने फरमाया लंबी उम्मीदों से तुम्हारा दिल पत्थर हो जाएगा। अब यहां आपको गौर करना पड़ेगा, हुजूर ने किस चीज को लंबी उम्मीद करार दिया है? अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो दोबारा हदीस पर गौर कर लीजिए। फरमाया सुबह से और शाम से इंतजार नहीं करना। अगर इतना भी इंतजार किया कि मैं शाम तक जिंदा रहूंगा या शाम से सुबह तक जिंदा रहूंगा, मेरे मुस्तफा ने इसको भी लंबी उम्मीद करार दिया है। जिंदा रहने की
रबियार, इसको भी मेरे मुस्तफा ने जिंदा रहने की लंबी उम्मीद करार दिया। अब खुद फैसला कर लो हमारी कितनी लंबी उम्मीदें हैं। अब कंपेयर हम थोड़ा करो, जल्दी से सोच लीजिए आप। हुजूर ने फरमाया सुबह से शाम से जिंदा रहने की उम्मीद रखोगे तो दिल पत्थर से भी सख्त हो जाएगा। अब मैं आपसे जवाब चाहता हूँ लोगों, जिंदा तो रहना है, जरूरी रहना है। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम जिंदा मत रहो, तुम जिंदगी को छोड़ दो, जिंदगी को काम को छोड़ दो, मैं ये समझाने नहीं आया हूँ। लेकिन मेरे नबी की हदीस सुनो और गौर करो, क्या फरमाया? अगर सुबह से शाम तक जिंदा रहने की उम्मीद रखी कि मैं जिंदा रहूंगा, इसको भी मेरे नबी ने लंबी जिंदा रहने की लंबी उम्मीद करार दे दी है, तो इसका नतीजा ये निकलेगा इस उम्मीद रहने, इस इतना देर, इतनी देर जिंदा रहने की उम्मीद रखने की वजह से तुम्हारा दिल, अब फैसला करो जिसको 100 साल तक भी मरने की उम्मीद नहीं होगी, अब खुद फैसला करो जिसको मौत की आद ही नहीं है, जिसको ये पता भी नहीं कि मुझे मरना भी है कि नहीं, जो 100-100, 200-200 सालों की सोचता है। आजकल किसी से कहते हैं भैया हज करो, कहता है अभी बेटों की शादी नहीं हुई, बेटियों की शादी नहीं हुई, पहले उनको शादी करेंगे, फिर उनको मकान बना के देंगे, फिर हज को जाए। मैंने कहा बहुत कम उम्मीद रखी है जिंदा रहने की। ऐसी बहुत सारी मिसालें, तो लोगों गौर करो, 100 साल की उम्मीदें जिसके पास होंगे, 50 साल के लिए जो सोच रहा होगा, 70 साल तक जिंदा रहने की जो सोच रहा होगा, अब बताओ उसके दिल की क्या हालत होगी। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, इसीलिए तो मेरे प्यारे आका ने फरमाया था जिसको दिन में सिर्फ 20 मरतबा मौत याद आ जाएगी उसको मेरी तरफ से जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मेरे आका ने फरमाया, नात तो पढ़ेंगे बीच में तो इंशाल्लाह तो हो ही जाएगी, किबला फारूक साहब इशारा दे रहे कि नात के लिए आपने कहा था, वो तो मैं सुना ही दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन गुफ्तगु को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मेरी आका ने फरमाया जिसको दिन में सिर्फ क्या, हुजूर की हदीस से सुना रहा हूँ, जरा प्यार से सुनिए, मोहब्बत से सुनिए। फरमाया जिसको सिर्फ दिन में 20 मरतबा मौत याद आ जाएगी उसको मेरी तरफ से जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अब सवाल ये हुआ मेरे कारण, मेरे आका या तो 20 नहीं या तो 100-100 मरतबा दिन में मौत याद करते हैं, लेकिन उसने कहा सिर्फ कितनी बार, 20 बार। आज तो हम हर कदम पर कहते हैं कि मरना है, मरना है, मरना है। और रिश्वत खोरों का हाल ये है, वो रिश्वत लेते लेते भी कहते हैं भैया कुछ चाय पिला दो, इस दुनिया से क्या लेना है, कुछ तो दे दो। आप माफ करना, बुरा ना मानना मेरी बात को, ये है मौत को याद करते हैं। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही। रिश्वत खोर जब रिश्वत लेता ना किसी से, उसको उस वक्त भी कहता भैया कुछ चाय शाय तो पिला, यहाँ दुनिया से क्या लेना है। अब बताओ ये भी मौत को याद कर रहा है। इस तरह तो हम दिन में 20 की बात ही नहीं, हम तो 100-100, 200-200 मरतबा मौत को याद कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया सिर्फ 20 मरतबा जो याद करेगा, सिर्फ 20 मरतबा जो याद करेगा। आप बुरा ना माना, ये बच्चे हैं बेचारे,
इनकी खता नहीं है, ये जो पटाखे मार रहे हैं ना अगल बगल में, ये इनकी खता नहीं है। ये जो तुम इनको जो जब इनकी बर्थडे होती ना, आप इनके हाथ में केक दे करके, चाकू दे करके केक जब कटवाते हैं ना, ये उसी का नतीजा है। ये उन बच्चों की गलतियां नहीं है जो आज के शब में भी पटाखे मार रहे हैं, जो इस शब में भी पटाखे मार रहे हैं, गैर मुस्लिमाना काम जो कर रहे हैं, शैतानी जो हरकतें ये बच्चे कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार मैं इनको नहीं ठहरा रहा हूँ, इनके वालदेन को मैं ठहरा रहा हूँ। जब इस बच्चे को बर्थडे का दिन होता है ना, बड़ा कीमती क्या एक वालिद साहब ले आते हैं, आप मुन्नू जी आपका आज बर्थडे है, फिर गाना गनवाते हैं, मुन्नू जी काटो केक, आज तू 10 साल का हो गया, 15 का हो गया, 20 का हो गया, तू मुन्नू जी है, आज केक काटे, 30 साल का हो गया, लेकिन मुन्नू जी को कोई ये बोलने वाला नहीं है, बेटे 30 साल का तो हो गया, लेकिन आगे ये पता नहीं 30 सेकंड भी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कोई बताने वाला है उसको? अगर उसको किसी हमदर्द बाप ने ये भी बोला होता कि बेटा ये एक एक साल तुम्हें जिंदगी का कम हो रहा है, शायद वो आज इस बाबर का शब में पटाखे नहीं मार रहा होता, आज की शब वो भी कुरान पाक खोल के कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहता है। इस घर को आग लगी है, घर के चराग से खुद हम इन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए और खासकर इनके वालदेन को अल्लाह हिदायत फरमाए, क्योंकि बुजुर्गों ने लिखा है यतीम वो नहीं है जिसका बाप नहीं है, यतीम वो नहीं है जिसका वालिद नहीं है, फिर कहा यतीम वो है जिसके बाप ने बच्चे को सही तरबियत नहीं की है। और मेरे आका ने फरमाया बाप की तरफ से बच्चे के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा है, बाप की तरफ से प्यारे हुजूर की हदीस में सुना रहा हूं, जरा प्यार से जुबान लगा दीजिए, सुनिए मुसलमानों, हम मुसलमान हैं लेकिन कहां के मुसलमान हैं ये कहने से हम शर्माते हैं। इकबाल ने कहा मैं मशरिक में गया, वहां मैंने इस्लाम को देखा, मुसलमानों को नहीं देखा, मैं मगरिब में गया, वहां इस्लाम को देखा, मुसलमान को नहीं देखा, मशरिक में आया यहां मैंने मुसलमानों को देखा लेकिन इस्लाम को नहीं देखा। लोगों ने कहा इकबाल अजीब बात है, जहां मुसलमान ही नहीं वहां इस्लाम का इजाम, और जहां मुसलमान है वहां क्या वहां इस्लाम नहीं? कहता इस्लाम के जो उसूल और जवाबित है वो गैरों ने अपनाए हैं, और गैरों के जो तरीके हैं वो मुसलमान के होकर के हमने अपनाया। इसीलिए इकबाल ने कह दिया तहजीब में तुम हो नसारा, तहजीब में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये है मुसलमान जिसे देख के शर्माए यहूद। आज कर्नाटक की बेटी पर्दे के लिए जुद्दोजहद कर रही है, मुबारक हो उनको। मुझे कर्नाटक के कोर्ट का कोई गिला नहीं है, उन्होंने कह दिया कि इस्लाम में पर्दा कंपलसरी है ही नहीं, ये बात उन्होंने कुरान पढ़ करके नहीं बोली। अगर जुमला सुनेंगे तो आप बड़ा अहम है, ये बात उन्होंने कुरान को हदीस को पढ़ करके नहीं बोली, ये मैं यकीनन कहता हूं, क्योंकि कुरान उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को पर्दे का हुक्म देता है। लोगों आम औरतों की तो बात ही नहीं है, हुजूर की बीवियां मोमिनीन की माएं हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर की बीवियां मोमिनीन की माएं हैं। सहाबा को हुक्म हुआ
जब हुजूर की बीवियों से कुछ मांगना है तो पर्दे के पीछे मांगा करो। जरा पूरा एक महीना सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए तू पूरी दुनिया के लोगों को, दुनिया के कोर्टों को, हाई कोर्टों को, सुप्रीम कोर्टों को सुना दो, तुमने जो फैसला सुनाया ये हमारे कुरान के मुताबिक नहीं है, ये हमारे हदीस के मुताबिक नहीं है। ये उनको बता दो इस्लाम में जो चीज मुहतरम होती है कभी हमारी इस्लामी बहनें समझेंगी। इसीलिए मैंने कह दिया कोर्ट का गिला नहीं है, कोर्ट का गिला नहीं। उन्होंने न कुरान को देख करके ये सुनाया, न हदीस को देख करके पढ़ के सुनाया। आप कहेंगे फिर कैसे सुनाया? उनको ये पता है मुसलमान इतने गिरे हुए, उनको ये पता है हम जब कहेंगे पर्दा जरूरी नहीं है तो हमें आगे आने की जरूरत नहीं है। इन्हीं मुसलमान बेसते नाम के वो टीवी चैनल पर आकर के मुसलमानों ही के खिलाफ कीचड़ उछाड़ेंगे और कहेंगे ये औरतों को कैद करते हैं, दकियानूसी दीन बताते हैं, इस्लाम में पर्दा कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ तीर चलाया है, काम चलाने वाले वो नहीं है। मुसलमान औरतें ही ये बातें बोलेंगे कि इस्लाम में पर्दा कोई जरूरी बात नहीं। अब यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये है मैंने ये बात बोली न कुरान के मुताबिक ये फैसला है न हदीस के मुताबिक ये फैसला है। इस्लाम का, कुरान का, हदीस का मुत्तफिका फैसला है औरत के लिए पर्दा फर्ज है। अब लंबी चौड़ी इसके हवाले से तकरीर करने के बजाय बस एक हदीस सुन लीजिए, उम्मत की माँ आयशा सिद्दीका का वाकिया है। एक औरत नबी पाक से मिलने के लिए आई, अम्मा आयशा बाहर थी, उसने जब देखा कहाँ जा रही हो, कहा हुजूर से मिलना है। उठी, उसको जलाल आ गया, गुस्सा आ गया, उसके सर पे दुपट्टा था, उस औरत के सर पे। आयशा गई, उसको उठाया, फाड़ा, टुकड़े करके फेंक दिया, अपनी एक अपना एक दुपट्टा था वो उसके सर पे रख लिया और कहा आप चली जाओ मुलाकात के लिए। उसने कहा अम्मा आयशा ये गुस्सा तुमने मेरे साथ क्यों किया? कहा तुमने जो सर पे दुपट्टा रखा था इस दुपट्टे के बीच में से तुम्हारे बालों की स्याही नजर आ रही थी और तू यही दुपट्टा लेकर के हुजूर से मिलती, इसलिए मैंने ये दुपट्टा आपका फाड़ दिया। अब जो दुपट्टा मैंने सर पे रखा अब तेरे बालों की स्याही नजर नहीं आ रही है, तू पर्दे की चीज है, पर्दा कर। अब आया तो हदीस, मुझे वक्त नहीं उधर जाने का, बस एक इशारा मैं देके जाऊंगा, वो ये है कर्नाटक की हमारी बेटी को अकेले जुद्दोजहद करना पड़ता है और इनको पता है मुसलमानों ने अपने हर एक इस्लाम की निशानी को इतना घिरा दिया है अब इनके पास इन चीजों की कोई अहमियत नहीं रही। बताइए हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान रहते हैं या बहुत सारे मजाहिब रहते हैं? बहुत सारे। जवाब दीजिए। मैं कोई सियासत करने नहीं आया हूँ लेकिन फैसला इस्लाम के खिलाफ आया है। बेशक बेशक। हमें वोट नहीं लेने हैं, हुकूमत नहीं करनी है, सियासत नहीं चलानी है, लेकिन जब इस्लाम पे हमला होगा और हम बात न करेंगे फिर हमें मिंबर पर चढ़ने का कोई हक नहीं है। बेशक। लेकिन गिला मुझे इस चीज का है, इस्लाम की चीजों को हमने खुद ब खुद कमजोर किया। इस्लाम में, हिंदुस्तान में जितने मजाहिब हैं,
चाहे वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ऑफिस जाएं, ठीक है यूनिफॉर्म है उनकी अलग अलग, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई सिख बरादरी का आदमी ऑफिस में जाए, कॉलेज में जाए, स्कूल जाए, कहीं जाए, क्या वो पिगड़ी उतार सकता है? नहीं। अब अजीब हालत है, उतने यहाँ मुसलमान सिख लोग नहीं रहते जितने मुसलमान रहते, लेकिन मुसलमानों की औरतों को पर्दा क्यों उतारना पड़ता है? क्यों उतारना पड़ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिखों को उनकी पिगड़ी उतरवाओ, ये मेरा पैगाम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है मैं अपने मुसलमान बहनों से गिला करना चाहता हूं। उनको पता है सिखों ने अपनी पिगड़ी की अहमियत बरकरार रखी है, शायद जुमला सब उनको पता है, सिखों का छोटा बच्चा हो बड़ा हो उन्होंने अपनी पिगड़ी की इज्जत बरकरार रखी हुई है, ये उनका मजहबी शार है। कुछ भी हो जाए, कितने तूफान चले, उनका छोटा से छोटा बच्चा भी अपनी सर से पिगड़ी नहीं उतारेगा। और कोर्ट में ये हिम्मत भी नहीं हो सकती आप कि उन पे पाबंदी लगाए जाएंगे कि आप पिगड़ी के बगैर ऑफिस जाओ या कॉलेज जाओ, ये हिम्मत ही नहीं। उनको पता है इन्होंने इतनी अहमियत बरकरार रखी है, कभी इनके खिलाफ फैसला आ ही नहीं सकता। और पर्दे के खिलाफ क्यों आया? इनको पता है मुसलमान इतने खराब हो चुके हैं, बिगड़ गए हैं, अब इनकी औरतों के पास पर्दे की कोई अहमियत नहीं है। अब मुझे जवाब दे दो, अगर सिर्फ कर्नाटक की हमारी बहन अकेले न होती, हिंदुस्तान के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाने वाली हर बच्ची पहले दिन से पर्दा करती, क्या किसी कोर्ट में हिम्मत थी आज वो फैसला गलत सुनाती? ये फैसला इसलिए आया है, हमने खुद पर्दे की अहमियत को खत्म कर दिया है अपने घरों से, इस्लामी निशानियों को आपको खुद ब खुद बचाना पड़ेगा। इनको बचाने वाला आप कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, इनको बचाने वाला कोई महमूद गज़नवी नहीं आएगा। इस्लाम और इस्लाम की निशानियों को हमें खुद बचाना है, बचाने के लिए हमें मैदान में लड़ने के लिए नहीं जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी एफआईआर दर्ज हो जाए, होता है ना कि इसने तकरीर शायद इश्ती आलंगी कर ली है। हम लड़ने की बात नहीं कर रहे, हम रोड पर के आकर के इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात नहीं कर रहे, बस मेरा एक पैगाम है, इस्लाम को अपनाओ, बस ये फैसला है, बस ये जवाब है, ये एक जवाब। एक जमाना था हमारे कश्मीर में जो दाढ़ी रखते थे उनको पकड़ा जाता था कि कोई गलत लिख है, फिर सबने दाढ़ियां रखनी शुरू कर दी, फिर किसको पकड़ते? पहले सबने सफाई डर की वजह से पकड़ देते, तो अंधेरे में जिन्होंने कभी काटी भी नहीं थी उन्होंने भी साफ कर दिया, लेकिन फिर लोगों को समझ आ ही गया भैया इससे बचने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना सब ही रख ले। फिर जब सब दाढ़ियां रखने लगे तो फिर पकड़ना दाढ़ी की वजह से बंद हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं अपने दोस्तों से, बुजुर्गों से, जवानों से, बहनों से, लोगों मेरे मुस्तफा ने जो तरीके दिए हैं उनको मजबूती से पकड़ो, खुदा की कसम दुनिया बदल जाए तुम्हारी निशानी कोई न बदल पाएगा। इसका रिश्ता आज का नहीं है, हमारा रिश्ता आदम से चला रहा है। जिंदाबाद।
पहचान हमारे दाऊदी जम्मू कश्मीर का गाजी इस्लाम दाऊदी माशाल्लाह। जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद कहीं भाग गई है, शैतान तो बहुत दूर भाग गया होगा इस वक्त। जैसा हमारे मजीद साहब ने जज्बा दिखाया, ऐसा लग रहा कि शैतान को डर लग गया होगा कि यहाँ रहने की गुंजाइश नहीं है। पीछे वाले भी जरा दोनों हाथों को हवा में लहका लहरा करके शैतान को भगाने के लिए कह दो नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम आलमगीर। लोगों जो मैं अर्ज कर रहा था, बस वो ये पैगाम मैं देना चाहता था, ये पैगाम मैं देना चाहता था। मैंने कह दिया मैं ये कहने नहीं आया कि तुम कल राजौरी चौक में जाकर के प्रोटेस्ट करो, कुछ नहीं होगा, माफ करना बुरा ना लगे, कुछ नहीं होगा। अगर प्रोटेस्ट करके आओगे और आपकी बेटी कल कॉलेज, कल स्कूल, कल हॉस्पिटल में, कल बाजार में, कल शादी में नंगी होगी। प्रोटेस्ट किस चीज का किया? बुरा नहीं लग रहा आपको? ये कौन सा प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम मैदान में निकल जाएंगे, नारे दो चार लगाएंगे, कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, उनको तो जो करना था वो कर दिया। लेकिन इतना जरूर है, रब कहता है जब तुम मुझसे मुंह मोड़ोगे तो फिर इन्हीं अदालतों, कोर्टों और थानों को लगा दूंगा, तुम्हें इन्हीं का गुलाम बना दूंगा। लेकिन जब तुम इस्लाम पर चलोगे, इस्लाम की जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह की गैरत को ये गवारा नहीं होगा कि तुम्हें उन लोगों के पास फैसले लेकर के जाना पड़े जिनका कुरान से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम का लेना देना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है लोगों अगर कोई मसला दरपेश हो जाए, फरदो इल्लाही व रसूलिही, अगर कोई मसला आया तो मसले लेके दरवाजों पे मत जाओ, थानों पे मत जाओ, कोर्टों में मत जाओ, वो तुम्हें क्या देंगे? मौला कहाँ जाना है? अगर कोई मसला घर में आया, माम तलाक का मसला हो, खुला का मसला हो, निकाह का मसला हो, मियां बीवी का मसला हो, माँ बाप का मसला हो, बेटे का मसला हो, और कितने कितने मसाइल में खेल लूंगा, अल्लाह कहता है जो भी मसला दरपेश हो कहीं मत जाओ, फरदो इल्लाही व रसूलिही, वो मसला अल्लाह रसूल की अदालत में पेश कर लो। अब बताओ हम कहां ले जा रहे हैं? हमने तो कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया, कुरान से मसला क्या पूछा गया? हमने तो हुजूर ही को माशाल्लाह छोड़ दिया, हम तो नाम के मुसलमान रह गए। माफ करना बुरा ना लगे नौजवानों को, नसीहत के लिए आया हूँ, शबे बारात की रात है, आज ना सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे, आज ना बदलेंगे तो कब बदलेंगे। बहुत कुछ मांग रहे हो, अल्लाह से हिदायत मांगो। अभी जब मैं खुदा ये मांगूंगा मौला हमारी उम्र में बरकत अदा करो, तो सब लोग इतना लंबा हाथ करेंगे, शायद फिर मरना नहीं होगा कभी। सही है कि गलत? जब अभी मोदी साहब हमारे चिल्ला इमाम साहब हाथ फैलाएंगे दुआ के लिए, ये कहेंगे मौला हमारी उम्र में बरकत है, सब लोग इतना लंबा हाथ निकाल। मैं कह रहा हूँ मरना एक ही बार है भैया, हिदायत मांग, हिदायत।
और आज की रात में अल्लाह से इश्क रसूल मांगी। क्या समझा है दौलतों को, आना है जाना है गंदी चीजें हैं, यही दौलतें इधर ही रह जाएंगे जो तुम जमा करते हो, रिश्वत खा के धोखा खा के झूठ बोल के लोगों का खून चूस 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 के लाते हो, तेरी औलाद उस पे कर शराब और कबाब की महफिलें मनाएंगे, तू कब्र में अजाब में होगा। यही है दौलत, यही दौलत जमा कर रहा है, तुझे रोना फिर पड़ेगा, तुझे परेशानी फिर होगी। खुदाया काश मैंने ये न किया होता, लेकिन फिर जमाना निकल गया होगा, लेकिन वो वाले मुबारक के मुस्तहिक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब माँ बाप कब्र में होता है सुबह और शाम दोनों टाइम माँ बाप को अपने बच्चों का नाम आमाल पेश किया जाता है। दौलतमंद बनने वालों मुझे आपकी दौलतों से नफरत नहीं है, तुम अमीर बन रहे हो खुदा की कसम मुझे इससे भी कोई गिला नहीं है, तुम दौलत वाले बड़े ऑफिसर बन रहे हो मुझे इससे भी गिला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है दौलतमंद और बड़ी कुर्सी पे बैठ के घमंड न करना, घमंड न करना, घमंड न करना, तुमसे बड़े मुसलमान के बादशाह दुनिया में गुजरे है। हमारा कोई आईएएस आईपीएस बनता है ना फिर वो किसी की तरफ देखता भी नहीं, ओ मैं आईएएस बन गया आईपीएस बन गया, अब सब मेरे गुलाम बन जाए। जब हिंदुस्तान का बादशाह शाहे जहां बन गया, लाखों लोग इंतजार में थे जिस दिन उसे बादशाह के तख्त पे बैठना था, अब सब इंतजार कर रहे थे कि बादशाह पहला लेक्चर देगा, पता नहीं क्या कहेंगे। अब पहला जब वो स्टेज पर आए लेक्चर देने के लिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोगों की तरफ आएंगे, लेकिन वो जब स्टेज पर चढ़े तो पहले दो रकअत नमाज अदा कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या समझा है अपनी कुर्सी को, कुर्सी पे बैठ के तू मालिक जरूर है लेकिन तेरे ऊपर भी कोई मालिक है। बेशक बेशक, तू हाकिम जरूर है लेकिन तेरी जान किसी के हाथ कुदरत में है। ये कुर्सी न रहने वाली है, तेरे ओहदे नहीं रहने वाले हैं, और यहाँ नहीं सुन अपनी दौलत कुर्सी पर नाज और फख्र और कमेंट करने वाले, अगर यहाँ नहीं सुधरा, नहीं सुधरा, कयामत में रब कहेगा बदले लिमन मुल्क अल्यौम, कहाँ गई तेरी हुकूमत, बता आज किसकी हुकूमत चल रही है। क़यामत में अल्लाह कहेगा बता जालिम, बता हाकिम, बता डीसी ऑफिसर है तू, डिविजनल है, क्या है, सदर है, प्रेसिडेंट है, वजीर आजम है। कुरान कहता है सब एक सपने खड़े हो गए, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا। अल्लाह की किताब कहती है जो हमारे घरों में पड़ी हुई है, बुरा ना मानना जिसको हमने लिए सिर्फ चारों और 40वें के लिए रखा है। हमारे घरों में जो कुरान पढ़ा है उसको हमने चहलम और चौथे के लिए रखा है। हिदायत कुछ भी नहीं लेते हैं हम उससे, वो भी जब पढ़ने का मौका आता है घर वाले लगते हैं खाना पकाने में, मौलवी साहब को लगते हैं पढ़ो भैया पढ़ो, आप पढ़कर पढ़ना आपका काम है, हमारे घर में कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। पढ़ने वाला वाह 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 वाह, कुरान से दूर हो रहे हैं, बिगड़ रहे मुसलमान, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, और होना है अल्लाह रहम करे जब तक हम रिश्ता रसूल से न जोड़े, कुरान से न जोड़े, तब तक इससे बुरा से बुरा हमें देखना पड़ेगा। क्या फरमाया इकबाल ने, बड़ी प्यारी बड़ा प्यारा शार है, ईमान को जिंदा करने वाला है, अपने असलाफ को याद दिलाया, कहते वो जमाने में मुअज्जज थे, इज्जतें खत्म हो रही है, हमारा विकार खत्म हो रहा है, हमें रोना जा रहा है, हम समझते हमने तरक्की की है, माल वाले बन गए, दौलत वाले बन गए, ये तरक्की नहीं है भैया, तरक्की इस्लाम की तरक्की है, तरक्की जब तू सच्चा रसूलुल्लाह का आशिक बनेगा, तरक्की जब तू मुत्तकी बनेगा,
तरक्की ये है जब तेरे घर में इस्लाम का निजाम कायम हो जाएगा। और हमारे जवान क्या करते हैं, बोतल नीचे दबाई तो यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। बोतल नहीं समझे जाए बोतल नहीं समझे आप, खुल के बोलना पड़ेगा। नहीं समझ गए जी, सब समझने वाले हैं। ये हमें तकलीफ देने वाली बातें हैं, हमें तकलीफ देने वाली बातें हैं, इसलिए बहुत एहतियात से मुझे कहना पड़ता है। हमारा जवान शराब पीकर भी नशा करके भी जाएगा ना, रोड पे नारा लगेगा यहाँ क्या चलेगा, निजाम है मुस्तफा। मजाक बनाया है इस नारे को, मजाक बनाया इस नारे को। नमाज भी नहीं पढ़ेगा यहाँ क्या चलेगा, निजाम है मुस्तफा। हुजूर की सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा यहाँ क्या चलेगा, निजाम है मुस्तफा। मैं कह रहा हूँ भैया, घर में निजाम मुस्तफा कायम कर रहा हूँ, रोड पे जाने की जरूरत नहीं है, घर में निजाम मुस्तफा कायम कर रहा हूँ, अपने ऊपर निजाम मुस्तफा कायम कर, घर में अपनी बीवी को नमाजी बना दे, घर में अपने बच्ची को बेटी को नमाजी बना दे, फिर देख इंकलाब कैसे आता है। वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम खार हुए हैं तारिके कुरान होकर। अगर आपकी इजाजत है तो मेरा दिल कहता कि दो शहर कश्मीरी में सुना अता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने लोग समझते कश्मीरी, अरे बहुत बड़ी तादाद है। सुनिए सुनिए, बिजबिजी वतनो कुरान, बिजबिजी वतनो कुरान, सईवान अच्छा मुसलमान। अपने किरदार से कुरान को रुलाया है। वाह वाह वाह, आप खुद फैसला करो क्या हम मुसलमान भी है। क्योंकि एक हदीस में आया कि कुरान जब वीरान घर में पढ़ता है, उसको कोई पढ़ने वाला हिदायत देने वाला कोई नहीं होता है, वो अर्ज करता है मौला मुझे किस बेगाने में छोड़ दिया है। विजी वदनो कुरान सीवन अच्छा मुसलमान। अब इन बेटियों के लिए एक शार है जो बेपर्दा घूमती है। अगर इन्होंने कभी गौर किया होता ना, तो पर्दा हर मोहतरम मुकर्रम रेस्पेक्टेबल जो भी चीज होती है इस्लाम उसको पर्दा करता है। इस्लाम पर्दा बेइज्जती नहीं, पर्दा इज्जत है। बेशक बेशक, आपने देखा है काबा, जितनी इमारतें दुनिया में हैं उन सब इमारतों में सबसे मुतबर्रक मुकर्रम मोहतरम बाइज्जत कौन सी तामीर है, लेकिन ऊपर गिलाफ है। जरा प्यार से आवाज आए ना, अगर हमारी बेटियां सिर्फ इस पर गौर करेंगे उनको पता चलेगा कि पर्दा हमारी इज्जत है। और बताइए, किताब दुनिया में करोड़ों है, अबदहा है, अनलिमिटेड, लेकिन बताओ तमाम किताबों में मुकर्रम किताब कौन सी है। क्या बात, तमाम किताबों में मुकर्रम कौन सी किताब है, ऊपर ऊपर। क्या आप हर किताब के ऊपर गिलाफ रखते हैं, किस पर रखते हैं? अरे भैया कुरान पे गिलाफ रखते हैं। मैंने कहा वजह, कहते हैं मुकर्रम है, काबिले इहतराम है। तो फिर मुझे कहने दो, इंसानों में औरत सबसे मुकर्रम है। जरा प्यार से आवाज आए, समझदारी की बात है, अल्लाह करे वो समझ जाए मेरी बहने।
उनको पता चले कि पर्दे की अहमियत कितनी है। काबा मुकर्रम है, तामीर है, गिलाफ है, किताब मुकर्रम है, कुरान है, ऊपर गिलाफ है। तो मुझे कहने दो, इंसानों में अल्लाह ने औरत को मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया, नाजुक बना दिया है, इसीलिए पर्दा करने का हुक्म भी दिया है, इज्जत बरकरार रह जाए। और अब आम एग्जाम्पल में देना चाहूंगा अपनी बहनों के लिए, एक और मिसाल देना चाहूंगा, एक और मिसाल। जब मेरी बहन मोबाइल की दुकान पे जाती है, कोई कीमती मोबाइल खरीदती है, मोबाइल के साथ साथ उसका कवर भी खरीदती है। ये मोबाइल साइलेंट रह करके मेरी बहन को नसीहत कर रहा है। मोबाइल खरीदा तो ये गिलाफ को क्या करना है, कवर को क्या करना है? कहता नाजुक चीज है, बड़ी कीमती चीज है, कवर की वजह से ये महफूज रह जाएगा। हाय हाय, कवर की वजह से महफूज हो जाएगा। मैंने कहा मेरी बहन, अगर कभी इस मोबाइल के कवर पर ही गौर किया होता तो तुम्हारी सबसे बड़ी हिफाजत का जरिया तुम्हारा पर्दा ही है। अब शेर सुना दूंगा वो फेरान, फेरान में घूमती है फेरान, यमको निशाने वड़ नहीं जन काफिराने। अरमिन के माने दुपट्टे के बगैर, पर्दे के बगैर, फेरा यम कोड़ी साने, कोड़ी माने बेटिया, समझ जाए ना आप, फेरा यम कोड़ी साने वड़ नहीं जन काफिराने, शर्मो हया चुचला सईवान अच्छा मुसलमान। सब कुछ चला गया, अच्छा मुसलमान। अब आम लोगों के लिए, अपने जवानों के लिए, शादी होती नहीं किसी जवान को, आधा साल सिर्फ शादी की तैयारी में लगा देते हैं, आधा पूरा साल शादी की तैयारी में, कार्ड बनाना, वो बनाना, ये करना, फिर जब 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 शादी की रात होती है, लाओ डीजे, लाओ बाजे, लाओ शैतान को, नचाओ घर में शैतान में, जाया। अब मुसलमान किसको कहते हैं? जाया मुस्लिम बाजन, हम दो मुस्लिम माओं से पैदा हो गए थे। जरा प्यार से मोहब्बत से समझ ले, जाया मुस्लिम माजन लग बद रस्म और रिवाजन, मुस्लिम माओं से पैदा हो गए थे लेकिन हुआ क्या, रस्म और रिवाज के पीछे चले गए। जब हम मुसलमान हैं तो फिर हमें रसूलुल्लाह के पीछे चलना था, फिर हमें कुरान के पीछे चलना था, अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए मुस्तफा को भेजा था, हम आवारा नहीं, हमारा कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम आवारा नहीं, हमारा रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हम जानवरों की तरह नहीं है, हम औरों की तरह नहीं है, हमारे मुस्तफा ने हमें चलना भी सिखाया, बैठना भी सिखाया, उठना भी सिखाया, खाना भी सिखाया, अज़दवाजी जिंदगी भी सिखाई, कोई चीज ना छोड़ी, इसीलिए रब ने भेजा, ए मेरे हबीब मैं चाहता हूँ मेरे बंदे का चलना भी इबादत बने, बैठना भी इबादत बने, सोना भी इबादत बने, बैठना भी इबादत बने, खाना भी इबादत बने, निकाह भी इबादत बने, कॉलेज जाना भी इबादत बने, दुकान पे जाना भी इबादत बने, हर काम इनका इबादत बने, माला कैसे बने। अल्लाह कहता है मैं इनको ये नहीं कहता हूँ तुम तिजारत ना करो, तुम मुलाजमत ना करो, तुम हुकूमत ना करो, तुम खाना ना खाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ जो करना है नबी के तरीके पे करो, हर काम तुम्हारा इबादत बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम आलमगीर, मसलके आला हजरत, उलेमाए आले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मोहम्मद दाऊदी साहब जिंदाबाद खतबे नबूवत जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक लबैक भारत आसमान हम आवारा नहीं है हमारा कोई इमाम है प्यार से बोलिए ना और अजीब बात यह है कि जैसा हमारा इमाम है पूरी दुनिया में ऐसा इमाम किसी का नहीं है जैसा हमारा कायद है वैसा दुनिया में कोई किसी का कायद ही पैदा नहीं हुआ है जैसा हमें रहबर मिला है खुदा की कसम ये जज्बात नहीं बता रहा हूँ ये हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ गैरों को भी मानना पड़ा है इस जैसा इंसान ही दुनिया में पैदा नहीं हुआ पहले एक छोटा सा वाक्य सुनाएंगे फिर आला हज़रत का एक शेर सुना देंगे बड़ा प्यारा है आपको पता चले कि हमारा रहबर कौन है हमारा रहनुमा कौन है हमारा इमाम कौन है आखिर क्या हुआ हमें इतने बड़े रहबर से हम कट रहे इतने बड़े कामिल मुकम्मल अकमल परफेक्ट इंसान से हम कट रहे हैं इतने बड़े कामयाब तरीन इंसान से हम कट रहे हैं और हकीर चीजों के पीछे लग गए हम हुआ क्या ये नजर कहां से लगी है मेरे नबी का एक सहाबी मिस्र गया रूम गया रूम के बादशाह ने सबको दावत की दावत में हुजूर के सहाबी भी चला गया था तैयार करने के लिए क्या यार की गरज से गया अपने दोस्त ने कहा कि आज बादशाह ने सब लोगों की दावत की चलो आप भी चले गए दस्तरखान बिछाया गया सब खाना खा के निकल रहे हुजूर का सहाबी दस्तरखान से चावल और रोटी के टुकड़े उठा के खा रहा है वो बड़े हैरान हो गए क्या हजरत ये इधर नहीं चलेगा तू कहां से आया आम में मदीने का होने का ये तो बादशाह का दरबार है ये तुम क्या कर रहे हो ये लोग कहेंगे शादी से कुछ खाया नहीं पिया नहीं देखा नहीं कहा जो खाना था वो मैंने बहुत कम खाया हम ज्यादा नहीं खाते हैं लेकिन ये जो चीज है ये तो मैं उठा के खाऊंगा कहा ये तो कोई अच्छी बात नहीं लग रही है कहा तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे मैंने अपने कायद को खुद उठाते हुए देखा इसीलिए मैं कर रहा हूँ तुझे अच्छी लगे या ना लगे तुम्हारे कहने से मुझे क्या है मेरे महबूब ने दस्तरखान से दाने उठाए रोटी के टुकड़े उठाए चावल के दाने उठा के खाए हैं कोई पसंद करे या ना करे मुझे तो पसंद है अपने महबूब का तरीका इसीलिए मेरे आका ने फरमाया एक जमाना आएगा सुन्नतों पे चलना बड़ा दुश्वार हो जाएगा बड़ा दुश्वार हो जाएगा बड़ा दुश्वार हो जाएगा लेकिन उस जमाने में जब कोई मेरी सुन्नत को मजबूती से थामेगा जितना 100 शहीदों को शहादत देने के बाद सवाब मिलेगा उतना मेरी सुन्नत पे अमल करने वाले को उस जमाने में एक ही को 100 शहीदों का सवाब मिलेगा सुनो एक साजिश है सुन्नतों से इनको दूर करो रसूला के तरीके से इनको दूर करो इसीलिए जब तरीकों से दूर होंगे तो रसूल से दूर होंगे शरीयत से दूर होंगे रसूल से दूर होंगे सुन्नतें तो है इसीलिए कि तुम हर वक्त अपने हबीब को याद करते रहो नहीं समझे शायद ये बात सुन्नतें तो है इसीलिए अल्लाह क्या कहता है अकीमुस्सलाति ज़िक्री नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए प्यार से आवाज आए नमाज को याद करो मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए अल्लाह को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है लेकिन अल्लाह ने दिन में 5 नमाजें इसलिए रखी कि तुम अपने खालिक को कभी ना भूलना तो मेरा यकीन और ईमान यही कहता है जब फर्ज नमाज अल्लाह की याद के लिए है बंदे को खुदा कभी नहीं भूलना है जब तुम नमाज कायम करते रहोगे तो तुम्हें अपना खालिक याद रहेगा तुम्हें मालिक याद रहेगा तुम्हें रज़्ज़ाक याद रहेगा जब तुम नमाजों से भागोगे तुम्हें खालिक से रिश्ता कट गया खालिक को भूल जाओगे मालिक को भूल जाओगे जब खालिक को मालिक को भूल जाओगे
तुम्हारे हजारों मालिक बन जाएंगे। तुम्हारे हजारों मालिक बनेंगे जो तुम्हें अपना गुलाम बनाएंगे। इसीलिए इकबाल ने कह दिया, वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, देता है आदमी को हजार सजदों से नजात। और मेरा विचार ये कहता है, जब नमाज कयाम रुकू सजदा तशहुद क़िरात जब ये सब अल्लाह को याद करने के लिए है, मुझे कहने दो। इसीलिए अल्लाह के हबीब ने सुन्नतें दी हैं ताकि तुम जिस तरह फर्ज अदा करके खालिक को याद करते रहोगे, उसी तरह मेरी सुन्नतें अदा कर करके मुझे याद रखोगे। एक साजिश है, सुन्नतों से इनको दूर करो, ये खुद ब खुद हुजूर से दूर हो जाए। अगर ये जुमला आपके पले पड़ रहा है इसको ले लो, ये सौ बात की एक बात है। इसीलिए अमीर अहले सुन्नत ने क्या खूब कहा, उनकी नाचने की फरमाइश आई थी, मुझे लगा अच्छे मौके पे आ गई। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, उसी की मुझे दर पे फिर बुलाना। अगर इजाजत हो तो दो तीन शहर में पढ़ लो, लेकिन अब उसी शहर से शुरू करें क्योंकि सुन्नतों की बात चल रही है। तो वो क्या खूब फरमाते हैं, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर, सुन्नतों को हल्का मत छोड़ो, हल्का मत जानो, सुन्नतों को हल्का ना जानो, हुजूर के किसी भी तरीके को हल्का ना जानो, क्योंकि यही हुजूर के साथ रिश्ता है। रिश्ता बनाए रखने के लिए सुन्नतें अदा करो। अगर बात समझ रहे हैं जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अभी पूरी तरह मुझे लग रहे जोश और जज्बे में हैं, लेकिन आपका जज्बा इतना रहा कि मैं दिन में तीन चार तकरीरें करके आया, लेकिन अभी मुझे थकान महसूस नहीं हो रही, आपका ऐसा जज्बा लग रहा है। सुनिए, छोटी सी सुन्नत को भी हल्का मत समझना। सुन्नत हुजूर से रिश्ता है, सुन्नत हुजूर से ताल्लुक है। अगर सुन्नत को छोड़ दिया तो ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। कैसे सो मेरे नबी ने सिखाया, ये मैं थोड़ा ये पीछे वाले जरा पता नहीं ये क्या करने आए, आ गई आवाज, आ गई आ गई, ये माइक वाला जरा थोड़ा तवज्जो दे, पीछे वाले कह रहे हैं आवाज साफ नहीं आ रही, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह एक मरतबा। हेलो, अभी आवाज आ गई थोड़ी सी, थोड़ी सी आ गई, आ गई, और बोलिए आ गई आवाज, बस ऐसे रखिए जिला करना। अब ये भी बेचारा थक गया होगा सुबह से लगा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, देखिए फर्ज नमाज अल्लाह से ताल्लुक है। अगर आपने नमाजों को छोड़ दिया तो अल्लाह से ताल्लुक कट गया। बाकी अल्लाह को हमारी नमाजों की मजबूरी नहीं है, फ़ाद अल्लाह, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे जुड़ा रहे, ये अल्लाह को पसंद है। इसी तरह अगर सुन्नतों को आप छोड़ते गए आज एक कल दूसरा परसों तीसरा छोड़े, बताइए फिर हुजूर की याद किस चीज का नाम रखोगे? क्या सिर्फ साल में एक बार मिलाद मनाने का नाम रखो? आप बुरा ना मानना, बुजुर्ग लोग बैठे हैं महफिल में, उलमा इकबालाई उन्नु साहब है, मैं मिलाद की माजल मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ साल में एक बार मिलाद की मजलिस मना करके इसी का नाम हुजूर से ताल्लुक रखोगे? जबकि 24 घंटे मुस्तफा से एक मोमिन का ताल्लुक रहना बहुत जरूरी है।
यही मोमिन की जिंदगी भी है, जिंदगी यही है, वरना मौत। चलोगे, खाओगे, पियोगे, नौकरी करोगे, हवाई सफर करोगे, लेकिन मुर्दे हैं, मुर्दे। असल हयात मुस्तफा से ताल्लुक है। हालांकि एक दूसरा शहर मुझे पहले याद आ गया, वो वाला अभी बाकी है जो मैं बताना चाहता था। फरमाते जान है इश्क मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए क्या सुना रहे हैं। अब इश्क इस तरह नहीं होगा कि आप साल में एक बार दो चार छलांगे मारेंगे, झंडे लगाएंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माफ करना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तब बोलना, पहले ये देखना हाथ में दामन है कि नहीं है। ये कहना आसान है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले ये भी तो देखो कि हाथ में है भी कि नहीं है। हाँ? जिसके हाथ में नबी का दामन होगा क्या वो बेनमाजी हो सकता है? मुझे गौसिया सर की एक प्यारी बात याद आ गई। हम कादरी भी बैठे भीड़ है सब उसी के, वो रास्ते से जा रहे थे, उनके कंधे पर बड़ी कीमती चादर थी, बहुत जबरदस्त कीमती, क्योंकि गौसिया सर बड़े अमीर पीर थे, मालदार थे, उनके सर पे 70,000 का इमामा रहता था। और हाल ये था, कोई साहिल कहता था हुजूर मुझे दे दीजिए, वो उतार के दे दिया। एक दिन कीमती चादर कंधे पे थी तो चोर को नजर पड़ी, ढाकू था, कहा आए वाह बड़ी कीमती चादर है, वो ललचा गया, सोचा अगर किसी तरह ये चादर मुझे मिलती तो दो तीन महीने मेरा गुजारा चला जाता। लेकिन अब्दुल कादिर से लेना बड़ा मुश्किल है, कैसे ले लेंगे, लोगों की बड़ी भीड़ रहती है, का इसी भीड़ में मुझे मौका मिलेगा मैं इसको खींच लूंगा, भाग जाऊंगा, कौन मुझे देखेगा। चला अंदर, आहिस्ता 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 भीड़ थी, आहिस्ता गांव से भाग के करीब जब पहुंचा, नीचे से अपने चादर को थपकड़ा, पकड़ने के बाद इरादा था खींच लूंगा, भागूंगा, लेकिन हाथ फंस गया, हाथ फंस गया, चिल्लाने लगा, हजरत हजरत माफ कर दीजिए, चोर खुद ब खुद फंस गया। अब्दुल कादिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगे, कहा बेटे कहां चोरी करने आया? अब शाह जिला गौसे पाक कह रहे और मेरे पीर गौसे सकलैन ने उसकी तरफ नजर करके अल्लाह की तरफ तवज्जो की, अर्ज करने लगे मेरे मौला ये मेरी चादर ले जाएगा, इससे मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा और ये बेचारा ज्यादा अमीर भी नहीं हो जाएगा, लेकिन एक मसला है, लोग इसको ताना देंगे कि तू कितना बदनसीब है, वहां बड़े बड़े चोर भी अब्दाल बन गए हैं। सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी की नजर से बड़े बड़े चोर भी अब्दाल बन गए हैं, लेकिन तू बदबख्त वहां चोर बन के ही वापस आया है, ये ताना लोग देंगे। ए मेरे मौला, अब तेरे अब्दुल कादिर बंदे का चादर का कूना पकड़ लिया है, अब मेरी दुआ है मरते दम तक ये दामन अब न छोड़े, अब न छोड़े, अब न छोड़े। इतना कहना था, अब दिल बदल गया, दिल बदल गया, दिल बदल गया, कहने लगे अब्दुल कादिर अब माफ कर लो। कहा बता क्या चाहिए? अब कहा हुजूर बस चादर भी छोड़ दूंगा, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी सोहबत में रख लीजिए, अपना मुरीद कर लीजिए, मैंने चोरी से तौबा कर ली है। हम तो कहते हैं मैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों जरा इंसाफ करो, क्या हमने दामन पकड़ भी लिया है कि नहीं? कहना आसान है, लेकिन जिनके हाथ में दामन रसूल होगा वो कभी भी रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत को जाया होने नहीं देंगे। हुजूर के साथ ताल्लुक बने रहेगा तो यही हकीकी जिंदगी है, वरना मौत है। चलोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे, काम करोगे, लेकिन चलते
चलते फिरते मुर्दे रहोगे। सुनो मेरे लोगों, जिंदा वही है जो रसूलुल्लाह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नबी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी कायनात की जिंदगी मुस्तफा है। जो जुड़ा रहा वो जिंदा है, जो कट गया वो मुर्दा है, वो खाएगा भी मुर्दा है, वो चलेगा भी मुर्दा है। दुनिया उसको जिंदा कहेगी लेकिन मेरे नबी ने उसको मुर्दा कह दिया। खुदा की कसम वो मुर्दा ही है। अब आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, जान जिस चीज की होती है, फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा। बेदार हो जाइए, सुभान, फरमाते हैं जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। मांगो मांगो मांगो, जरा प्यार से मांगो। आज शबे बारात है, मुझे लग रहा है इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। अगर आपको इश्क़े रसूल मिल गया तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। थोड़ा मांगो, हाथ को फैलाओ, हाथों को फैलाओ एक मरतबा। या अल्लाह हम सबको इश्क़े रसूल अता फरमा दे। पता नहीं आपको इल्ला ने क्या कह दिया, कहा जो तुम्हें मांगना है मांग लो, हाथ फैला करके, लेकिन जब इश्क़े रसूल अल्लाह से मांगना है सर झुका कर मांग ले इश्क़े नबी अल्लाह से। और चीजें जब अल्लाह से मांगनी है तो हाथ फैला के मांगो, लेकिन जब अल्लाह से इश्क़े रसूल मांगना है तो सर झुका करके मांग लो, क्योंकि तुम कोई छोटी चीज नहीं मांग रहे हो। तो मेरे रजा, तेरे रजा, सबके रजा ने बोला, उस रजा ने बोला, उस रजा ने जिसने डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस रजा ने बोला, उस रजा ने जिसको अपने कुछ दोस्तों ने कहा, यार हमारे नानपारा में एक जगह है बरेली के साथ, वहाँ कोई बड़ा नवाब रहता है। अच्छा क्या करना है? कहा बड़े बड़े शौरा अपना कलाम उनको सुनाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो वो बड़े इनाम से उनको नवाजता है। अरे तुम जैसा कलाम हजरत कौन कह रहा है? अगर आप भी उनकी मोहब्बत में, उनकी तारीफ में दो चार शेर कहते आपको भी इनाम मिलता। सुनो आला हजरत ने क्या जवाब दिया, जरा प्यार से सुनिए, बड़ी प्यारी बात है। आला हजरत ने कहा, मैं गदा हूँ अपने करीम का, करूँ मदह अहले दुवल रजा। सुनिए सुनिए, बुजुर्गों का जिक्र इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमें किस रास्ते से चलना है। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमने अपने असलाफ को छोड़ा है, अपने बुजुर्गों को छोड़ा है, अपने वलियों को हमने सिर्फ उर्स मनाने तक महदूद रखा है, उनसे हम जुड़े नहीं रहे हैं। माफ करना, बुरा न मानना, इसीलिए हमें रसूलुल्लाह के आशिकों से जुड़े रहना चाहिए था ताकि हम रसूल के साथ जुड़े रहे। आला हजरत ने क्या कह दिया? कहा करूं मदह अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं, सुनिए, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मुझे इनसे क्या लेना देना, कोई नवाब साहब है, कोई खाब साहब है, कोई क्या साहब है, मेरा रिश्ता तो अपने रसूल से है। प्यार से आवाज आए सुभान अल्लाह, ये है रिश्ता, ये है रिश्ता। आला हजरत ने कहा, कोई कलम चलाए, गंगा की तारीफ करे, मुल्क की तारीफ करे, पहाड़ों की तारीफ करे, किसकी तारीफ करे, लेकिन आला हजरत का कुछ और ही मामला है।
मेरे रजा ने जब कलम चलाया जबान खोली आगे आगे जो बद्दुहा रसूलुल्लाह का चेहरा था जब तारीफें करना शुरू कर दी मेरे मुस्तफा की भल्लैल की तारीफ करने लगे जब जबान खोली तो मुस्तफा का मुस्तफा की चश्मा ने मुबारक सामने थी जब तारीफें करने लगी लोगों मुस्तफा के लबे मुबारक सामने थे जब तारीफें करने लगे तो रसूलुल्लाह के हाथ मुबारक सामने थे जब तारीफें करने लगी थी तो मुस्तफा का अलम नशरह लका वाला सीना सामने था। और जब हुजूर के इल्मे गायब पे मक्का पे सवाल हुआ मक्का जाए तो मक्का वाले सवाल करे हुजूर हमने सुना आप नबी का इल्मे गायब मांगे आपको बड़ा अजीब लग रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम है इल्मे गायब है हुजूर को अल्लाह की अदा से है का दलील का दोनों दो दूंगा एक दो घंटे मोहलत दे दो मुझे चले गए खाने का वक्त सेल में बैठ गए तो कलम उठाया कागज उठाया लिखना शुरू लिखना शुरू लिखना शुरू चंद घंटों में सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल किताब दौलतुल मक्कीया बिलमादत लिखीबिया तैयार कर ली है उलूम में मुस्तफा उसका नाम रखा है जब अरब के बड़े बड़े स्कॉलर बड़े बड़े मुहक्किक बड़े बड़े मुहद्दिस बड़े बड़े उलमा फुकहा ने देखा तो वो दंग रह गए कहा अहमद रजा किताबें लिखना आसान है लेकिन ये बताओ इतनी देर में आपने कोई लाइब्रेरी नहीं देखी आप जितनी देर खाने काबा के सैर में बैठे कोई किताब नहीं खोली हवाले के लिए कोई चैप्टर नहीं खोला हवाले के लिए कोई शरा नहीं कोई हदीस नहीं इतनी किताब मोतबर और इतने दलाइल वो भी मोतबर मुस्तनद मुसल्लम इतनी मोतबर किताब तुमने कैसे इतनी जल्दी कैसे तैयार कर ली है कहा सुनो लोगो जब मैंने कलम उठाया कलम मेरा चलता था फैजान मदीने से आ रहा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत इसके आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 कहा कलम मैं चला रहा था फैजान मदीने से आ रहा था ये है आला उसको पढ़ो नबी से जुड़ोगे अगर इन फितनों से बचना है ना अहमद रजा से जुड़ जाओ एक जात काफी है अगर सच्चे कादरी बनना है फरजवी बन जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर सच्चे अच्छे पक्के नक्शबंदी बनना है तो अहमद रजा से जुड़ जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर सच्चे पक्के अच्छे चिश्ती बनना है अहमद रजा से अहमद रजा का मिशन ही इसमें कादरियत भी है इसमें इसमें चिश्तियत भी है इसमें नक्शबंदियत भी है और बड़ी बात यह है नकली और असली कादरी को फर्क करना है ना अहमद रजा का नाम ले लो फर्क हो जाएगा नकली और असली नक्शबंदी को फर्क करना है ना अहमद रजा का नाम ले लो खुद ब खुद फर्क हो जाएगा ये मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ अहमद रजा को अब्दुल कादिर ने अपने मिशन के लिए चुन लिया अहमद रजा को शाह हमदान ने अपने मिशन के लिए चुन लिया और मुझे कहने दो सारे वलियों की करामत अहमद रजा नाफजियत से बचना है खारजियत से बचना है नासबियत से बचना है वहाबियत के फितने से बचना है तो अहमद रजा का दामन थाम लो बचाओ बचाओ तो जान है इश्क मुस्तफा इतना शार प्यारा है अभी उतनी आवाज मुझे नहीं मिल रही है ये जान की बात हो रही है ये जान की बात हो रही है तो आप जो सुभान अल्लाह कह देंगे या नारा लगाएंगे ना इस पर तो उसमें जान होनी चाहिए जान है इश्क मुस्तफा पूरी जान लगा करके कह दो सुभान अल्लाह एक मरतबा जान है इश्क मुस्तफा
मुस्तफा रोज खुशू करे खुदा। सुभान अल्लाह, बड़ा बड़ी प्यारी दुआ भी है, नात भी है। सुभान अल्लाह कह दो ऊंची आवाज से। मैंने कह दिया ना, खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर तुझे आज की शब में कुछ न मिले इश्के रसूल मिला ना तो सब कुछ मिल गया। इश्के रसूल तुम्हारी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करेगा, खुदा की कसम, खुद ब खुद तब्दील हो जाओगे जब अपने रसूल से इश्क करना शुरू कर दो। मेरे अपने दो शहर है, पहले मैं सुना दूंगा वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दो शहर है, ज़बा भी पाक होती है, सुभान अल्लाह, बदन भी पाक होता है, सुभान अल्लाह, ज़बा भी पाक होती है, बदन भी पाक होता है, जू ही आए ख्यालों में मोहम्मद मुस्तफा प्यारे, सुभान अल्लाह, जू ही आए ख्यालों में मोहम्मद मुस्तफा प्यारे, सुकून दिल जो चाहता है करे जिक्र नबी हरदम, सुकून दिल जो चाहता है करे जिक्र नबी हरदम, सकीना मोमिनों में है, सकीना मोमिनों में है मोहम्मद मुस्तफा प्यारे, गदाए औलिया हाजिर तेरे दर पे ये दाऊदी, गदाए औलिया हाजिर तेरे दर पे ये दाऊदी। अब मैं अकेले हाजिर नहीं हूँ, तुम सब की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ, दाऊदी नाम जरूर आया है इसमें, लेकिन ये मैं अकेले हुजूर की बारगाह में खुदा की बारगाह में अर्ज नहीं कर रहा, आप सब की तरफ से मैं अर्ज कर रहा हूँ। गदाए औलिया हाजिर तेरे दर पे ये दाऊदी, वसीला है दुआओं में मोहम्मद मुस्तफा प्यारे, वसीला है दुआओं में मोहम्मद मुस्तफा प्यारे, जान है इश्के मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, दर्द मंदाना। गुजारिश है अपने जवान भाइयों से, बहनों से, आप सब 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 जहां आपने साल साल बुराइयों में गुजारे हैं, वहां कम से कम 40 दिन सब गुनाह छोड़ करके हुजूर की सुन्नतें करते और अदा कर इंशाल्लाह खुद ब खुद बदल जाएंगे। मैंने कहा ना ये 40 दिन को समझता हूँ, जहाँ 20 साल 30 साल मेरे जवानों ने गुनाहों में गुजारे, वहाँ 40 दिन कौन सी बड़ी बात होती है। करो इरादा, जो बदलना चाहते हैं वो इरादा कर ले, 40 दिन सारे गुनाह छोड़ दो। ये बड़ी मुसीबत मोबाइल, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, बिला जरूरत इसे फोन के सिवा कुछ ना करो, अगर बहुत जरूरत है आपको कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है उसके लिए इस्तेमाल करो, बाकी ये जो गेम शेम फिल्में शिल्में ड्रामे शामे ये बंद करो, कितने दिनों के लिए, और नमाज कायम करो, हुजूर की हर सुन्नत को अदा करो। मेरा यकीन है 40 दिन के बाद आपके दिल बदल जाएंगे, यकीन है मेरा। इंशाल्लाह अल्लाह को गवारा नहीं होगा कि अभी इस बंदे पर कोई शैतान सवार हो जाए। भाई मुस्तामी रजी अल्लाह ने बड़े वली सूफी गुजरे हैं, उनकी बस्ती में एक बदकार औरत आई, उसने डेरा डाला उसकी बस्ती में, डेरा डाला, लोगों को पैसा लेकर के अपने साथ गलत करवाती थी। भाई मुस्तामी ने सुना तो किसी ने कहा, हुजूर तेरे शहर में इस तरह गंदगी फैलने लगी,
अब फकीरों का मामला ही कुछ और होता है। बैद मुस्ता में उठे जाय नमाज मुसल्ला लेकर के हाथ में तस्बीह है, तो उसी औरत जो उस औरत ने मकान लिया था उस मकान के जो मेन दरवाजा जहाँ से लोग आते थे उसी दरवाजे पे मुसल्ला बिछाई। अल्लाह देखिए बुजुर्गों का क्या मामला है। अल्लाह अब जब उन्होंने ये नमाज शुरू कर ली था, अब जो आने वाले होते थे वो कैसे आएंगे? जब कोई आया नहीं तो अंदर जो औरत बैठी थी उसके खादिमा वगैरह बैठी थी, उसने कहा ओ मेरी खादिमा तुम क्या देख रहे हो, उधर कोई आ नहीं रहा, आजकल पैसे नहीं आ रहे, कोई औरत कोई मर्द इधर आ नहीं, क्या बात है, क्या बात है, बाहर तो देखो। बाहर गए तो वो भागती हुई आई, कहा मोहतरमा यहाँ कोई फकीर बैठा है, उसने मुसल्ला बिछाई तो यहाँ लोग कैसे आ पाएंगे, वो वहाँ कुछ नमाजे शमाजे पढ़ रहा है। उसने कहा इस फकीर को कहो ये नमाजे किसी मस्जिद में पढ़नी है, यहाँ तो बदल और कोई काम हो रहा है। उसने कहा क्या क्या बात है, कहा फकीर इधर नमाज वगैरह नहीं पढ़ते है, कहा इधर क्या होता है, कहा यहाँ पैसे देना पड़ता है, औरत अंदर बैठी है उसके साथ गलत करना पड़ता है, कहा पैसा देना पड़ता है तो मुझसे भी ले लो, मुझसे भी ले लो। अच्छा आप पैसे दे देंगे, कहा मैं दूंगा, इसमें क्या टेंशन है, मकसद है पैसा देना, औरत के पास जाना, चलो कर लो। औरत ने कहा हमें क्या, हमें तो पैसों से लेना देना, ले लो पैसे। उसने कहा लेकिन मैं एक घंटा दो घंटा तीन घंटा आधी रात नहीं, मुझे पूरी रात चाहिए। फकीर ने कहा मुझे पूरी रात खरीदनी है, बता कितना देना। उन्होंने बड़ी रकम मांगी, उसने दे दी। जब अंदर गया कहा औरत बताओ तेरा क्या शेड्यूल है, क्या मामला है, पैसा देकर के क्या करती है? कहती है मैं जो पैसा लेती हूँ तो फिर मर्दों की ख्वाहिश के मुताबिक काम करती हूँ, यही है ना तेरा तरीका, तो बताओ आज की रात मेरी है। कहा जनाब आज की रात तेरी है, तो बताओ वादे के मुताबिक तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। कहा हाँ मुझे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने आज की रात खरीद ली है, आज सारी रात तेरी है, कहा जो मैं कहूँ वही करना पड़ेगा। कहा बिल्कुल मुझे तो पैसे मिल गए, बताओ क्या करना है। कहा उठ उठ उठ, वजू बना, जरा प्यार से आवाज नहीं आ रही आपकी, कहा उठ वजू बना। कहा वजू क्या होता, मैं तो जानती भी नहीं, कहा मैं सिखाऊं, क्योंकि आज की रात मेरी है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही चलना पड़ेगा। कहा बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा मुझे क्या, मैं तो पैसे ले चुकी हूँ, अब क्या कराएगी रात भर, जो कराएगी करो, सुबह आएगी तो चला जाएगा, तो मैं अपने काम में लग जाऊंगा। उसको क्या पता था कि बुजुर्ग से जुगो वास्ता पड़ गया, उसको क्या पता था कि अल्लाह के फकीर बंदे से वास्ता पड़ गया। अब क्या हुआ, उठ वजू बना, उसने वजू सिखाया, गई वजू बना के आई, कहा फकीर अब क्या करना है, कहा मुसल्ला बिछा। बायदे बुस्तानी ने अपनी मुसल्ला बिछाई, मुसल्ले बिछा कर क्या उसको खड़ा कर दिया, कहा अल्लाहु अकबर कर। उसने दोनों कानों की तरफ हाथ बढ़ा करके अल्लाहु अकबर किया, हाथ बांधे तो पीछे बायदे बुस्तानी के आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे मौला इसने मेरी शहर में गंद फैलाई, मेरे शहर के जवानों को बर्बाद की तरफ बुला रही है, मेरे मौला बस मैंने पैसे दे करके ये रात करा दी है, अब इस मुसल्ले पे चढ़ाना इसको मेरा काम था, अब इसका दिल बदलना तेरा काम है। इतना तो मेरे तक था, मैंने उसको मुसल्ले पे चढ़ा कर अल्लाह अकबर कहला कर तेरे साथ तो करीब कर लिया, अब इसका दिल बदलना तेरा काम है। अब इतना कहना था,
वो औरत सजदे में चली गई। अब सजदे से वो सारी नहीं उठा रही है, अब सजदे से सारी नहीं उठा रही है, रो रही है। अब सुबह रात का टाइम हो गया, भाई गोस्वामी ने कहा बेटी उठ, मेरी रात का टाइम निकल गया, मैंने जितनी देर रात खरीदी वो चली गई, अब मैं निकलना चाहता हूँ, अब बताओ क्या करना है। कहा बाबा बस अब मुझे तना या मत छोड़ो, अब मेरा दिल बदल गया, अब मुझे बता मुझे करना क्या है। आप मुझे बताओ मुझे करना क्या है। तो भाई गोस्वामी ने तौबा करा के सच्ची पक्की नमाजी बना के खुदा की बलियों में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर आका, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर आका, चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले, कहो चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले, मुझे डर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, जो जो मदीना जाना चाहता जरा या रसूलल्लाह एक मर्तबा कह दो, मुझे डर या रसूलल्लाह मुझे डर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, तेरी जब किसी होगी। बस बात खत्म कर रहा हूँ, जरा प्यार से रसूलल्लाह से जुड़ जाइए और आज ही से अहद कर लीजिए हम रसूलल्लाह के साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों का रिश्ता नबी के साथ जोड़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बेटियों को मुस्तफा के खानदान के साथ जुड़े रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनी आने वाले नस्लों को दुनियावी बुराइयों से बचा करके अहले बैत रसूल के साथ रिश्ता जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरी जब जदीद होगी, जब मेरी ईद होगी, जब मेरी ईद होगी, इसकी आवाज ठीक कर लो, तेरी जब जदीद होगी, जब मेरी ईद होगी, तभी मेरी ईद होगी, आका मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मेरे ख्वाब में तुम आना मदीने वाले, या रसूल अल्लाह ये मरीज मर रहा है, ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना मदनी। प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, ए मदनी तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, या रसूल अल्लाह मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने।
मदीने मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं। आका तुम ही हो सिला बढ़ाना मदनी, तुम ही हो सिला बढ़ाना मदनी मदीने। अब पहले अपने वालिदैन के लिए मांगिए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आज की शब है, दुआओं की रात है। हुजूर कब्रिस्तान जाके पूरी उम्मत के लिए दुआ करते थे आज की शब में, क्योंकि हुजूर ने फरमाया आज की शब में बनी कलब की जो बकरियां हैं उनके जिस्मों पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद में अल्लाह आज उन लोगों की बख्शिश करता है जिनको जहन्नमी लिखा दिया गया है, उनकी भी आज बख्शिश हो जाती है। जरा प्यार से कह दो इंशाअल्लाह, या अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा, या अल्लाह हमारे वालदैन की बख्शिश फरमा, या अल्लाह हमारे वालदैन की बख्शिश, या अल्लाह मेरे वाला हमारे वालदैन की बख्शिश फरमा। या अल्लाह जो लोग दुनिया से जा चुके हैं आज कब्रों में बैठे हैं, हम अभी इधर से आए हैं, हमारे एक हाजी साहब का नाम याद नहीं, फातिया के लिए गए थे वहाँ, जो इंतकाल कर गए, मोहम्मद समी, आप लोग जानते हैं 26 साल का जवान है। मुझे अगर ये 22 साल का जवान, इन जैसे जवानों को अचानक मौत वाकई हो जाए और नौजवान न सुधर जाए तो बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। ऐसे मौत हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं फिर भी हम नहीं बदलते हैं। लोगों उनके वालदैन के भी बड़े अरमान रहे होंगे और वो बच्चा खुद में जाने क्या क्या सोच रहा होगा कि क्या मैं बनना चाहूंगा, लेकिन सारे अरमानों पे पानी फैल गया। नौजवानों सुधर जाओ, ये जिंदगी काम बहुत मुख्तसर है, ये दौलतें काम आने वाली नहीं है। अपनी मुख्तसर जिंदगी में आखिरत की तैयारी करो लोगों, बुराइयों से अपने आप को बचवाओ, मुसबा के सच्चे वफादार बनो, नमाजी बनो और दुआ मांगो हमारे वालदैन को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने वालदैन के लिए निजात का जरिया बना दे और हमारी बच्चों को हमारी औलाद को हमारे लिए निजात का जरिया बना दे। जरा हाथ फैलाओ, क्योंकि गुनाहों का तूफान चल रहा है, बेरारमी का तूफान चल रहा है, हमारे बच्चे जहां जाते हैं बेहयाई के सिवा कुछ मिलता ही नहीं उनको। कॉलेज जाए, कॉलेज स्कूलों में जाए, कॉलेज अस्पतालों में जाए और बाजार में जाए, आप देखिए जहां वो जाते हैं वहां बेहयाई और बुराई के सिवा कुछ है ही नहीं। बचेंगे तो कैसे बचेंगे, दूर रहेंगे तो कैसे दूर रहेंगे। ए मेरे आका, अब तुम ही कर्म कर लो, हमारे इन नौजवान बच्चों को अपने नजर कर्म से हिदायत अदा फरमा दो। अपने बच्चों के लिए खसूसियत के साथ ये शेर मांग लो हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले। अगर बच्चों को आशिकान रसूल बना दिया, खुदा की कसम सुकून की जिंदगी महसूस हो जाएगी, खुदा की कसम बच्चे तुम्हारे वफादार बन जाएंगे, खुदा की कसम तुम्हारे घरों में बरकतों का नजूल हो जाएगा, खुशहाल जिंदगी मैसर आ जाएगी, फितने फसाद इंतशार लड़ाइयां और झगड़े घरों से खत्म हो जाएंगे अगर हमारे बच्चे और बच्चियां मुस्तफा के वफादार बन जाएंगे। मेरी आने वाली नस्लें, आका मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी वाले। अब वक्त नहीं बचा, इधर आसिफ साहब आया है, कहते कश्मीरी में दो चार साहब सुनाइए, अर्ज कर लेंगे। हाजी अकील साहब, उनकी वालदा का इंतकाल, उनके भी लिए भी दुआएं मगफरत करेंगे। और यूनुस साहब इधर बैठे हैं, अल्लाह इनके बच्चों को हिदायत करे। इनके इरफान भाई एक बच्चा है, वो आज जिसर में है, उन्होंने वहां से दुआ की दरखास्त भेजी है, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए और आप सबके बच्चों को हमारे बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। अब इंशाअल्लाह अहद करेंगे, रसूल से जुड़े रहेंगे,
रसूल से जुड़ने के लिए जरूरी क्या है? अरे वाह, बड़ी खुशी हो गई मुझे कि मेरी तकरीर किसी काम की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो रसूल से रिश्ता बनाए रखने के लिए क्या करना है? सुन्नतें अपनाना है। अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़े रखने के लिए पंजगाना नमाज कायम रखना है, और फिर देख लीजिए तुम्हारी जिंदगियों में खुशहाली ही खुशहाली में असर आ जाएगी। हम नहीं कहते कि हमारे बच्चे ऑफिसर न बने, वो न बने, ये तो कोई तकियानुसी सोच लेकर के हम आपके पास नहीं आएंगे कि बच्चों को आईएएस मत बनाओ, आईपीएस मत बनाओ, ऑफिसर मत बनाओ, हाकिम न बनाओ, ये हम नहीं कहते हैं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं, अगर बच्चों को रसूल के साथ रिश्ता जोड़ोगे वो डीसी जरूर बनेंगे लेकिन रिश्वतखोर नहीं बनेंगे, वो एसएसपी जरूर बनेंगे लेकिन जुल्म करने वाले नहीं बनेंगे, लोगों के खिदमत गुजार बनेंगे। इस्लाम का ये फायदा है, रसूलुल्लाह की तालीम का ये फायदा है, तुम्हारे बच्चे जरूर तहसीलदार भी बनेंगे लेकिन किसी का हक नहीं खाएंगे, अपने हक की अदाई करने के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा है, और यही तहरीक सौदर अलिया का मेन पैगाम है, जो तंजीम हम चलाते हैं घर घर जाकर के यही पैगाम हम देते हैं बच्चों को, दुनियावी तालीम दे करके जरूरी आपके लिए है, अगर इनको अच्छा बनाना, नेक बनाना है, समाज के लिए अच्छा बनाना है, इनको रसूलुल्लाह की तालीम जरूरी देना पड़ेगा। यस प्याले अब आसिफ साहब ने फरमाइश की है, दो शेर नाथ शरीफ के कश्मीरी में पढ़ लीजिए, तो मैं चाहूंगा मैं पढ़ूंगा। या रसूले खुदा बे मिसाल अल्लाह अल्लाह, रसूले खुदा बे मिसाल अल्लाह अल्लाह, हसीना सुचूपुर जमाल अल्लाह अल्लाह, हसीना सुचूपुर जमाल अल्लाह अल्लाह, सुगुलरो मुअत्तर सुचुमुश्की अदफर, सुगुलरो मुअत्तर सुचुम मुश्की अदफर, शुम शुम लाजवाला रसूले खुदा बे निसान अल्लाह अल्लाह, में छम बेकरारी में छम इंतजारी, सुना है मेरे आका आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घरों में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मैं चंबे करारी मैं चम इंतजारी, मैं चंबे करारी मैं चम इंतजारी, ये यमुना वंदस्यम अल्लाह अल्लाह, ये यमुना वंदस्यम रसूले खुदा पे मिसाल अल्लाह अल्लाह, रसूले अल्लाह अल्लाह, निजामे जहां पद गौचानी बाप, निजामे जहां पद गौचानी बाप, सुबह शाम लैलो नहार अल्लाह अल्लाह, सुबह शाम लैलो नहार, न दुनिया न उकबा न जन्नत जरूरत। अब ये मैं मेरे पूरे उनवान का निचोड़ यही है, शायर कहता है न दुनिया न उकबा न जन्नत जरूरत, मेरे आका न मुझे दुनिया की चाहत न उकबा न जन्नत की चाहत, बस एक मेरी ख्वाहिश है मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, बस इतना मुझे चाहिए।
न दुनिया न उकबा न जन्नत जरूर है, बस या रसूल अल्लाह। न दुनिया न उकबा न जन्नत जरूरत बस वो छत बार बार अल्लाह अल्लाह। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस आका मुझे अपना दीदार करा दीजिए। بوجهت بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ۔ اب حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، اللہ کے اللہ تراہم رکعن سجدہ، یہ ہے رسول سے غلامی کا ثبوت۔ اے میرے نبی، تیرے ساتھیوں کا معاملہ یہ ہے، ذرا پیار سے آواز آئے، بس ختم ہو رہی ہے بات۔ تیرے ساتھیوں کا معاملہ یہ ہے، والذین معہ، جو رسول کے ساتھ وابستہ ہے، دشمنان دین کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہے، آپس میں رحم دل ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے، تراہ رکعن سجدہ۔ نبی وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سجدے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پتا چلا جو رسول سے جڑے رہتے ہیں وہ بے نمازی نہیں ہوتے ہیں، وہ بے نمازی نہیں ہوتے ہیں، وہ راتوں اور دنوں میں سجدے کرتے رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی بندوں میں شامل کر دیں۔ اب اپنے احباب کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں گے تو یہ صبح تک چلے گا۔ ادھر سے ایک اور دوست نے یہ موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور نعت شریف ادھر ہی سے نکال کے دے دی کہ دو شعر اس سے کر لیجئے۔ اب چلیے، اب ان کی خواہش ہے، میں بھی جا رہا ہوں، سفر میں بھی جانا ہے، کل میرا پروگرام بہت دور رامبن علاقے میں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچائے انشاءاللہ رحمان۔ اور پرسوں میرا پروگرام پھر ادھر ماہور میں ہے، اور اس کے بعد میں پھر ادھر آ رہا ہوں، یہاں تھنا منڈی میں کوئی مدرسہ ہمارے نسیم صاحب کا پروگرام ہے وہاں پر، تو دعا کر لیجیے اللہ آسانی کر دے۔ نور پرتا ہوں پرالی نبی، نور پرتا ہوں تراوی نبی، دود مد سین شہلا وی نبی، نور پرتا ہوں تراوی نبی، نور پرتا ہوں تراوی نبی، دود مد سین شہلا وی نبی، تج آسن سری پیارا، تج آسن سری پیارا، امت کوثر چاوی نبی، تج آسن سری پیارا، تج آسن سری پیارا، امت کوثر چاوی نبی، نور پرتا ہوں ہاتاوی نبی، ددم سین شہ لاوی نبی، انشاءاللہ دیدار، انشاءاللہ دیدار، و دوہا رویس حاوی نبی،
वद्दुहा रोयस हारी नबी नूरुक परदौ त्रावि नबी दुदमुदसीन शहलानी नबी अस्तगफिरुल्लाह तआला ربي من كل ذنب وتوب إليه وأسأله توبة أشهد أن لا إله